अगला जो हमारा प्रोग्राम का सेगमेंट होता है वो है रक्स। जब प्रोग्राम हम लोग प्लान कर रहे थे उसमें दो चार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो जिसमें एक ज़ाहिर है हमारे पास एक पेंटिंग होती है। बड़े शौक से बड़ी लगन से हमारे साथ कोई ना कोई आर्टिस्ट हर दफ़ा मौजूद होते हैं और हमारे राग को सुन के वो कुछ ना कुछ प्लान करते हैं और हमारे लिए उसका कैनवस पे उतारते हैं। तो अब निगहत चौधरी साहब जो हमेशा से हमारे लिए इज्जत का बायस रही हमारे प्रोग्राम के लिए, एक क्लासिकल अंग में जो फुटवर्क हमें हमेशा से जिसकी तलाश थी, वो मेरा ख्याल है कि निगहत से बेहतर हमें पाकिस्तान में इस वक्त और कोई मैसर नहीं कर सकता था। सो बिग हैंड टू निगहत चौधरी हमें इज्जत बख्शने के लिए। और मैं थोड़ा इस हिस्से के बारे में बात करना चाहूँगा कि ये हमारा सेगमेंट इट्स वेरी टेक्निकल, क्योंकि इसमें कई वोकैबुलरीज जो हैं वो हम मिलाते हैं, जिसमें रक्स की अपनी लैंग्वेज है, तबले की एक लैंग्वेज है जो उसको सेनेजाइज करती है, उसको मिलाती है, और उसके बाद ये रक्स जन्म लेता है, और उसके बाद बॉडी जेस्चर्स हैं, उसके बाद फेशियल जेस्चर्स हैं। एंड इन टोटैलिटी अगर आप देखें तो रक्स जो है वो पूरी बॉडी का और स्पिरिट का एक मर्जर है और एक ताल्लुक है जो कि एक मशाक रक्कास ही आपके सामने पेश कर सकता है। और हमें, क्योंकि जैसा कि आपने फुटवर्क का जिक्र किया, तो हमें सही फुटवर्क जिसे राह रास्त पे चलने का तरीका है वो फनून के अतबार से हमें निगहत चौधरी बताएंगे। इस प्रोग्राम के, इस सेगमेंट के दो हिस्से हैं। पहला झपताल में है जी, जो कि 10 मात्रे का ताल है जी, और इट्स क्वाइट technically it's not is, that easy it is to, a very difficult ताल। और इसका दूसरा हिस्सा जो है वो तीन ताल पे बेस्ड है। ओह अच्छा। और वो तीन ताल भी वो जो है वो बड़ी तेज लय तीन ताल है, और उसको आप जब सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ एट टाइम टू जस्ट होल्ड ऑन टू लय एंड एवरीथिंग। तो हम दावत देते हैं निगहत चौधरी को और उनके साथ सज्जाद साजिद अली जो कि तबले पे, और उनके वालिद साहब उमीद अली साहब। तो ये टीम प्लीज कम ऑन स्टेज। Thank you.
गली गाँव।